हेलो। कौन? सलामुअलैकुम भैया। हाँ, वालेकुम सलाम। खान मैं खान भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, भाई कहाँ से? कहाँ से बोल रहे भाई? कानपुर खान भाई कानपुर देहात से। कानपुर से? बताइए। देहात से ये नंबर कहाँ लगा है मेरा? ये नंबर लगा कहाँ है? ये लगा है यूपी इलाहाबाद। इलाहाबाद लगा है। अच्छा, जी ये अल्लामा साहब के नाम से मेरे मोबाइल में फीड का नंबर। कौन से नाम से? ये अल्लामा साहब। अल्लामा साहब का नंबर भाई नहीं है। अच्छा, ये मसला मसल की जानकारी मिलती है ना इस नंबर से? हाँ बोलिए ना, क्या कह रहे हैं? इस नंबर पे मसला मसल की जानकारी मिलती है नहीं मिलती है? मसले मसाइल आप बोले तो जो फतवा है फतवा आपको नहीं मिलेगा, बाकी जो दिली सवाल जवाब है उसका जवाब इंशाल्लाह आपको देने की कोशिश की जाएगी। हाँ, देवी सवाल करो। हाँ, क्योंकि फतवे के लिए तो किसी आपको मुफ्ती के पास जाना पड़ेगा, उसको पूरा मसला बताना पड़ेगा, वो पूरा देखिएगा, तहकीक करेगा क्या मसला है, क्या नौयत है, उसके एतबार से आपको फतवा देगा। लेकिन अगर कोई चीज कंफ्यूजन है कि भाई ये नमाज कैसे पढ़ना है, वजू कैसे करना है, ये फला मसाल क्या है, ये ढमा मसाल क्या है, इसमें हमें क्या करना है, हमारे मौलवी साहब तो ऐसा बता रहे हैं, कुरान हदीस ऐसा कह रहा है, तो हम किसको समझें, कैसे समझें, क्यों समझें, तो ये सब जो बातें हैं वो अगर आपको कंफ्यूजन अपना दूर करना है तो इंशाल्लाह भाई आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आपकी मदद की जाएगी। अच्छा, हाँ ये इसी लोग से हम पूछना चाह रहे थे। ये बताइए, जो वजू का पानी है, वजू के बनाने के बाद उसे माय मुतअम्मल बोलते हैं ना? क्या वजू का पानी जब हम वजू बनाते हैं, हमारे जिस्म से जो पानी जुदा होता है उसे कौन सा पानी कहते हैं? तो कौन सा पानी कहते हैं? उस पानी का नाम तो भाई नहीं पता मेरे को। माय मुतअम्मल हो जाता है ना इस्तेमाल किया हुआ पानी। पानी होता है जिस पानी से, मानिए टंकी के पानी से वजू कर रहे हैं तो जब उसको मेरे भाई धोएंगे तो वो पानी पानी रहेगा। बाकी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो वजू करते थे हम लोग, जैसे मानिए हमने अपने हाथ धोया तो हाथों को धो के जो पानी मतलब भाई वो गिर रहा होता था, आप उसको नापाक मानते थे। नापाक मानते थे? हाँ। तो और बाद मेरे भाई किताबों में उतरा हुआ है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो जब कोई को देखते मतलब भाई कि कोई सामने वाला है और बैठ के वजू कर रहा है, तो वजू से वो जो जो अपने हिस्सों को धोता था तो धुलने के बाद जो उसके गुनाह होते थे उसको देख लिया करते थे, किसने किसने अपने मुंह की मतलब कुल्ली की तो उसने मुंह से अपने कौन सा मतलब गुनाह किया, ठीक है चेहरे को धोया तो आंखों से कौन सा गुनाह किया, अपने हाथों को धोया तो पानी बह रहा तो उससे देख लिया इसने अपने हाथों से क्या गुनाह किया था, ठीक है तो इस तरीके से। हाँ, लेकिन ये चीज मेरे भाई ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे मंसूब कर दी गई है, ऐसा मेरे भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, जो बयानात हमने सुने हैं जैसा आप बता रहे हैं इसी टाइम में सुने हैं बयान, तो क्या ये बयानात सही नहीं है जो इमाम आजम की तरफ मंसूब? देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ऊंचा बड़ा बताने के चक्कर का एक पीछे कारण है, वो कारण ये है कि इमाम साहब को ऊंचा बताएंगे तो उनका जो उनके नाम से जो मसलक थोपा जा रहा है हनफी मसलक वो ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाएगा, है ना? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल भाई अगर हमें कांग्रेस को ऊंचा करना है तो राहुल गांधी की तारीफ करना है, बीजेपी को ऊंचा करना है तो भाई जो वो मोदी है मोदी की तारीफ करना है, उसी तरीके से हनफी मसलक को अगर अफजल साबित करना है तो उनके इमाम की मतलब भाई वो तारीफे करना है, तो ये लोग इमाम की तारीफ करने में इतने झूठ बोल दिए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे थे वैसे थे ये क्या वो क्या, यहाँ तक कि भाई वो मतलब अपनी हालत ख्वाब में एक बार नहीं दो बार नहीं 100 मरतबा अल्लाह सुबहानो ताला को देखा, अब बताइए। हाँ, यहाँ तो एक बार मेरे भाई कोई नहीं देख पाया और यहाँ मेरे भाई इमाम साहब ने 100 बार देख लिया। अच्छा अच्छा, और खाने काबा में एक टांग पे खड़े होके ऐसे नमाज पढ़ी कि एक टांग पे खड़ा होके आधा कुरान और दूसरी टांग पे खड़े होके आधा कुरान, अब बताइए एक टांग पे नमाज पढ़ना कौन सा अफजलियत का बानी है?
हाँ कोई लंगड़ा हो, किसी का पैर टूटा हो, कटा हो, टांगी ना हो, तो चलो भाई वो एक टांग पे पढ़ ले समझ में आता है। जिसकी दोनों टांग मेरे भाई सही सलामत है वो एक टांग पे नमाज पढ़े और ऊपर से गैब से एक आवाज आए कि ए नोमान तुम्हारी इबादत हमको बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, और जो हमने तुमको बख्श दिया और जो तुम्हारे मजहब पे चलेंगे उन सबको मतलब हमने बख्श दिया, अब जो पब्लिक है वो मार एकदम नारेबाजी करना चालू हो गई। वाह भाई वाह, इमाम साहब तो बख्श दिए गए, उनके मसलक बख्श दिया गया। तो भाई ऐसे तकरीर तो हम भी इमाम आजम साहब की करते हैं, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के, क्योंकि हम हिंदी से पढ़े लिखे हैं और BA BSc वगैरह हमने किया है, तो हम उलमा के दरमियान में रहते हैं, उलमा की सोहबत में रहते हैं। बहुत अच्छी और बात है प्यारे भाई। नमाज रोजा के पाबंद है, ज्यादातर दीन से ताल्लुक रखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अलग से जितने हमारे पास उलमा के नंबर हैं उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनसे और मजीद दीन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नहीं बहुत अच्छी बात है। ये नंबर आपका हम ये एक ख्याल डेढ़ दो साल से हमारे मोबाइल पे। भाई मेरा नाम अफू खान है, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ। अहले हदीस जी, जो अहले हदीस ना हो वो अपने आपको मुसलमान कहना छोड़ दे। अच्छा, अहले हदीस किसे बोलते हैं? अहले हदीस मेरे भाई जो कुरान हदीस पे अमल करता है उसको उर्फ में अहले हदीस कहते हैं। अच्छा, और जो जैसे अहले जन्नत का माना होता है जन्नत वाले, वैसे अहले हदीस का माना होता है कुरान हदीस वाले, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस का। तो सब सभी करते हैं जितने इमाम के पैरोकार हैं, तो चाहे इमाम आजम हो, इमाम शाफई हो, इमाम हम्बल हो, इमाम मालिक कोई भी हो, तो कुरान पे भाई चंद मसाइल में हदीसों पे अमल करते हैं लेकिन अक्सरियत नहीं। तो फिर अगर कोई कुरान ऐसे कुरान हो तो कुरान पर अमल करे तो फिर वो तो हदीस भी अफजल हो जाएगा। देखिए जब कुरान का नाम लिया जाएगा तो उसमें हदीस मेरे भाई शामिल होगी, और जब हदीस का नाम लिया जाएगा उसमें कुरान शामिल होगा। तो ये अहले हदीस का वजूद कब से हुआ है? ये अहले हदीस तब से हैं जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, तब से हदीसों को मानने वाले मौजूद हैं, और तब से ही अहले हदीस हैं। और मेरे भाई ये हदीस आती है मुस्लिम शरीफ में, और हदीस का नंबर है 4950। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक ताइफा, एक ग्रोह, वो हमेशा हक पे रहेगा। तो हमेशा मतलब कि नबी के दौर से लेके तक कयामत तक, और तमाम 1000 साल के मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि जो ये ताइफा मंसूरा है ये अहले हदीस है। अच्छा अच्छा अच्छा, अहले हदीस कोई फिरका नहीं है। अब कोई लोगों ने फिरका बना लिया है तो वो उनकी टेंशन है, क्या ये फला अहले हदीस, गुरबा अहले हदीस, कन्हैया अहले हदीस। अगर कोई इसको एज अ फिरका अगर उसको मेरे भाई अमल कर रहा है तो ये तो हराम है, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला कुरान में कहता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरको फिरको में ना बटो। तो फिरकेबाजी से हमको बचना है, लेकिन वो मेरे भाई आखिरत तक जो अपनी उम्मत है वो मेरे भाई अकीदे के एतबार से 73 भागों में बढ़ जाएगी, वो आखिरत में होगा, लेकिन दुनिया में हमें फिरकों से बचना है। जी बोलिए सर। तो ये फिर हम क्या करें, ये जो आप जैसे इमाम आजम की तकलीफ करते हैं और नहीं, तकलीफ तो दीन इस्लाम में है ही नहीं ना, यही तो मेरे भाई मुश्किल है। अगर हमारे हनफी भाई चाहे बरेलवी हो देवबंदी हो, अगर भाई वो जो ये तकलीद है तकलीद को छोड़ दें और इत्तबा को चालू कर दें तो सारा मसले खत्म हो जाएगा ना, अहले हदीस हनफी एक हो जाएंगे। और अच्छा, सबसे खतरनाक चीज तो तकलीद शख्सी, यानी कि एक शख्स को ही मेरे भाई अपना हुज्जत बना लेना, जैसे जो हमारे हनफी हैं उन्होंने एक ही शख्स को अपना हनफी बना लिया। तकलीद शख्सी किसे कहते हैं भाई? एक शख्स की मेरे भाई पैरवी करना हर मेरे भाई मसाइल में अकायद में, मसाइल अकायद में एक शख्स की तकलीद करना उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भाई तकलीदी शख्सी। अच्छा, एक शख्स की अच्छा, तकलीद यानी कि हमें हर मतलब हर मसले में जानना है कि हमारा हनफी मसला क्या कहता है, हमारा हनफी मसला क्या कहता है। अल्लाह के नबी कहते हैं जो नमाज में सूरह फातिहा पढ़े उसकी नमाज नहीं, लेकिन हनफी क्या कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए
तो भैया सूरह फातिहा ना पढ़ो, गौर से चुपचाप सुनो, यानी कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ो। तो अब ये हो गया हदीस वर्सेस तकलीद, एक तरफ मेरे भाई हदीस मौजूद है और एक तरफ मेरे भाई हनफी मसलक की तकलीद, अब इनमें से आपको क्या करना है वो मेरे भाई आपके ऊपर फैसला है। अगर आप इत्तबा करते हैं तो आपको हदीस माननी पड़ेगी, और अगर अल्लाह ना करे, अगर मेरे भाई आप इमाम साहब के जो ये मतलब उनके नाम से मंसूब कर दिया गया हनफी मसलक उसकी तकलीद करते हैं, तो हदीस छोड़ने का मेरे भाई आपके ऊपर गुनाह भी आएगा और आपकी नमाज भी नहीं होगी। ये जो तकलीद है ये एक्चुअल में एक फतवा था जो उस दौर में मेरे भाई लोगों ने उलमा ने दिया था, कि जिस दौर में मेरे भाई किताबें बड़ी मोटी मोटी महंगी महंगी आती थी, आसानी से मिलती नहीं थी, लोग इतने अनपढ़ थे, जाहिल थे, ना उनको अरबी आती, ना उर्दू आती, ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती, उनको कलमा तक याद नहीं था, नमाज पढ़ने तक नहीं भाई उनको पता था। तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि मस्जिद के इमाम साहब कहते थे जैसे हम नमाज पढ़ रहे वैसे हमको देख के पीछे पीछे हमारे पढ़ो, तो वो एक तरीके से मजबूरी के तहत फतवा दिया गया था कि भाई जो जाहिल है तकलीद उसके लिए वाजिब है। लेकिन अब ये तकलीद बाद में मेरे भाई क्या बन गई, तकलीद बन गई जरूरी, यानी कि पहले ये जब आई थी तब ये थी मेरे भाई मजबूरी, बाद में ये हो गई जरूरी, और आज की तारीख में हो गई ये वाजिब, और अल्लाह न करे 8-10 साल बाद लोग कह देंगे कि तकलीद तो ये फर्ज है, जो तकलीद अगर नहीं करेगा वो तो जन्नत में नहीं जाएगा, ये भी लोग आज ही कहना चालू कर दिए हैं। तो 8-10 साल बाद शानदार करते हैं, आपकी बातें सुनके मेरे दिल को भा गई हैं, और अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, आप हमारे लिए कोई बेहतरीन से बेहतरीन। मैं आपके लिए एक ही रास्ता बता रहा हूँ मेरे भाई, आज मेरे भाई सारी मेरे भाई हदीस आप अपने फोन में रख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन में मेरे भाई जो हदीस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से उनको मेरे भाई पढ़िए, आपको मेरे भाई अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, हिंदी आती, हिंदी में पढ़िए, और मेरे भाई जिसको ना तो उर्दू आती, ना अरबी आती, ना हिंदी आती है, वो ऑडियो में मेरे भाई हदीस को सुन ले, ठीक है, और सुने, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो हदीस है वो साफ मेरे भाई आपके समझ में आ जाएंगी, लेकिन बाज हदीसे हैं जिनको आपको उलमा से समझना पड़ेगा। तो अहले हदीस की ये दावत ये नहीं है कि उलमा से आजाद हो जाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी कि जो इल्म है वो हमको उलमा से ही लेना है, लेकिन अब हर चीज के लिए उलमा के ऊपर मेरे भाई डिपेंड हो जाना कि मेरे मतलब खानदान में इंतकाल हो गया तो भैया अब हम उसको कैसे नहलाएं, अब उसके लिए मस्जिद के इमाम के पास जा रहे हैं कि आइए आप जरा मेरे भाई नहला दीजिए, तो हर चीज उलमा पे नहीं छोड़ना है। हाँ जो बड़े बड़े मसाइल है उसके लिए तो उलमा बैठे है ना, लेकिन जो बेसिक दीन है उसका जो इल्म है वो तो हर मोमिन और मर्द के ऊपर इल्म का हासिल करना फर्ज है, और इल्म क्या है वो है आसमानी दीन का, यानी कि मेरे भाई कुरान और हदीस। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है कुरान में सूरह जुमर में, हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया, यानी कि अहसनुल हदीस, तो अल्लाह ने कुरान को भी हदीस कहा है, और आप और हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है आमतौर पर उसको भी हदीस कहते हैं। तो जो अहले हदीस होगा वही कुरान हदीस पे अमल करेगा, और जो अहले हदीसों से मेरे भाई मतलब नफरत करता है, बुग्ज रखता है, तो वो कहाँ से हदीसों पे अमल करेगा। और कुछ बात नहीं, आप से बात करके बड़ी खुशी हुई। जी जी हमें भी। और हमें ये तकलीद सही, आप तकलीद के बारे में तो हमारे सब लोग इमाम भाई तकलीद से आप किसी अपने बड़े मोतबर जो आपके आलम दीन हो आप उनसे बात करवा दीजिएगा, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ ना वो तकलीद को कुरान से साबित कर पाएंगे, ना हदीस से साबित कर पाएंगे, ना इजमा से साबित कर पाएंगे। तकलीद के लिए तो सबने मना किया है बड़े बड़े इमाम ने, यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरी कोई बात मेरे भाई कुरान के खिलाफ आए तो मेरी राय को छोड़ दो, जब मेरी बात कोई हदीस के
उलट आ जाए तो मेरी बात को छोड़ दो, जब मेरी बात कोई सहाबा के अमल के उससे हटके आ जाए तो मेरी बात को छोड़ दो। तो भाई इमाम साहब खुद कह रहे हैं मेरी तकलीफ ना करो, और तकलीफ का जो अल्फाज है भाई अप्पू भाई अभी तक तो हम तकलीफ यही समझते थे जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वो जो सरकार ने किया उसके बाद सहाबा ने किया, सहाबा के बाद जो ताबीन तबे ताबीन ने किया है, तो जैसा वो लोग रास्ता करते चले गए हम उन्हीं की तकलीफ कर रहे हैं। इमाम आजम ने देखा कि इमाम आजम ने सहाबा इकराम में कैसा किया तो किताबों में देखा, वही अंदाज में हम लोग भी कर रहे हैं। नहीं ये तकलीद नहीं है, इसको इत्तबा कहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानना ये इत्तबा कहलाती है, और अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को छोड़ के किसी गैरे नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, इसको कहते हैं तकलीद। जैसे तौहीद का उल्टा होता है शिर्क, सुन्नत का उल्टा होता है बिदअत, वैसे ही तकलीद का उल्टा होता है इत्तबा। इत्तबा जो होती है वो होती है दलील के साथ, और जो तकलीद अच्छा। होती है वो होती है बिना दलील के, तो दोनों में अच्छा। दलील का फर्क है। अच्छा। मैं जो एक पुराने मुकद्दस की ऐसी तरीका है उसकी क्या कहते हैं कि सूरह फातिहा से आपने पढ़ी होगी कि तो इससे मतलब क्या होता है, इससे वजाहत आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में? भाई तमाम मेरे भाई मुहद्दिसीन ने जो अहले सुन्नत के हैं उन्होंने एक ही माना लिया है कि ये जो सीधा रास्ता है ये सहाबा का रास्ता है, क्योंकि सहाबा ही हमारे मेरे भाई दीन को सबसे पहले और सबसे अच्छा समझने वाले हैं, क्योंकि सहाबा के जो मतलब जो उस्ताद थे वो हमारे प्यारे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ठीक है, सही बात। तो अल्लाह कह रहा है कि रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, अल्लाह ने जो एहसान है इनाम है वो मेरे भाई किस पे किया भाई, ना तो हनफियों पे किया, ना बरेलवियों पे किया, और ना देवबंदियों पे किया, अल्लाह ने एहसान किया सहाबा पे। तो हनफी बरेलवी कहते हैं क्या हम पर इसमें सहाबा का तो ऐसा कहीं यही नहीं है कि इस पे? अरे भाई कुरान की तफसीर का जो पहला उसूल है वो ये है, कुरान की तफसीर वो खुद होगी मेरे भाई दूसरी आयत से कुरान से। दूसरा उसूल कुरान का क्या है कि कुरान की तफसीर होगी अल्लाह के नबी की हदीस से। तीसरा उसूल क्या है कि कुरान की तफसीर होगी अमल सहाबा से। तो ये तीन उसूल है ना, अब आइए पहला उसूल अप्लाई करते हैं कुरान की आयत खुद मेरे भाई कुरान की दूसरी आयत की तफसीर से। अल्लाह ताला कह रहा है कि रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, यानी कि हम अल्लाह से कह रहे हैं ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया इनाम किया। अब अल्लाह ने किस पे एहसान किया इनाम किया उसके लिए हमको आना पड़ेगा सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 100 पे। अल्लाह सुबहानहू ताला क्या कहता है कि मैं उनसे राजी हो गया वो मुझसे राजी हो गए। तो अल्लाह जिससे राजी हो गया उसके लिए सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ा इनाम है दुनिया का। अभी अल्लाह ताला आपके ताल्लुक से कह दे कि मैं जो ये कानपुर में जो ये खान साहब रहते हैं अल्लाह इनसे राजी हो गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है, एहसान कर दिया अल्लाह ने आपके ऊपर। तो एहसान जिन पे हुआ जो सीधे रास्ते पे चले वो सहाबा है, और सहाबा की ही हमको राह पे चलना है। अब ये तो हो गई मेरे भाई कुरान की जो तफसीर थी वो हो गई कुरान से, अब आते हैं मेरे भाई हदीस से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जामित, और ये हदीस आती है जामित तिर्मिजी में, और हदीस का नंबर है 2461। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, ठीक है, उसमें से 72 जाएंगे आग में, एक होगा कामयाबी वाला। तो सहाबा ने पूछा वो कौन होगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मा आना अलैहि व असहाबी, यानी कि जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं उस तरीके पे जो चलेगा वो कामयाब होगा। यानी कि अल्लाह के नबी ने खुद बता दिया कि सीधा रास्ता कौन सा है, वो मेरा और मेरे सहाबा का है। तो सहाबा को तुम कह रहे हैं इमाम आजम का सीधा रास्ता नहीं है, इमाम आजम भी तो सहाबा इकराम के इत्तबा करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। इमाम आजम जो अपन लोग कहते हैं ना इमाम आजम, तो ये इमाम आजम का माना वो राय और कयास के बहुत बड़े इमाम थे,
वो अच्छा। वो जो हदीस की फील्ड थी उसमें बिल्कुल जीरो थे। एक भी मुहद्दिसीन ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक भी हदीस मेरे भाई कभी नहीं ली, ना वो किसी के रावी हैं, एक भी हदीस के रावी नहीं है। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खुद की लिखी हुई मेरे भाई की किताब आज की दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मुज्तहिद और मुफस्सिर में क्या फर्क है? भाई मुज्तहिद पहली चीज तो देखिए आपको बता दें, उसको कहते हैं मुज्तहिद। जैसे बाद मेरे भाई मसाइल होते हैं, एक होते हैं मसाइले मनसूसा और एक होते हैं मसाइले भाई वो गैर मनसूसा। तो मनसूसा मसाइल में कोई तकलीद नहीं होती, बल्कि जो मसाइले गैर मनसूसा होती है उसमें तकलीद होती है। फॉर एग्जांपल कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कुरान हदीस में बिल्कुल साफ तौर पे भाई वो मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कुरान हदीस को पढ़ के उनकी उसूल की बुनियाद पे उसको ढूंढना रहता है। तो ये ढूंढने का काम जो मेरे भाई आलिम दीन करता है उसको कहते हैं मुज्तहिद। जैसे जमीन पे एक तो जमीन के ऊपर पानी है तो उसको तो भाई हम देख लेंगे क्योंकि वो जाहिरी तौर पे, लेकिन जो पानी जमीन के अंदर मेरे भाई छुपा हुआ है, अब उसके लिए पानी के लिए हमको जमीन खोदना पड़ेगा, खोद के पानी मेरे भाई निकालना पड़ेगा। तो ये काम होता है मेरे भाई इंजीनियर का। इंजीनियर बताता है जमीन में कौन से मेरे भाई आप जाएंगे, कितनी मेरे भाई जो गहराई है वहाँ पे पानी मौजूद है, वो पूरा मेरे भाई चेक करेगा, अपने मेरे भाई जो लेबर है मजदूर उनको लगाएगा, जमीन पूरी खोदी जाएगी, तब जाके जमीन के अंदर का पानी बाहर आएगा ना। तो वो अच्छा। मतलब होता है जमीन का इंजीनियर कि पानी कहाँ मौजूद है, वो अपने कितनी चीजों पर होता है तजुर्बे से बताता है। मसलों का इस्तिंबात जो मसले निकलते हैं, इन मसलों का इस्तिंबात कितने चीजों पर है भाई? कुरान हदीस और इजमा कयास। कुरान हदीस इजमा कयास। तो हम ये अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो मेरे भाई उल्टे सीधे मसाइल मौजूद हैं कि अगर कोई हनफी है और वो कुत्ते के बच्चे का जो मुंह है उसको बांध के अगर उसको गोद में लेके नमाज पढ़ रहा है तो नमाज उसकी हो जाएगी। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज हो जाएगी। कुत्ता अगर आपने मतलब अब अल्लाह रहम करे मैं ये सब बातें क्या बताऊं, लेकिन चलिए आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी बातें उतरी हुई फिका हनफी की मोतबर किताब दुर्रे मुख्तार में। और ये ऐसी फिका हनफी की मेरे भाई किताब है जिसको बिना पढ़े कोई आलिम नहीं बनता हनफियों में। तो दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कुत्ते की खाल को ठीक रंग के सुखा के जनमाज बना के उस पे नमाज पढ़ना जायज है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो जो ये ईद के बाद जो रोजे हम रखते हैं शव्वाल के, ठीक है 6 रोजे, ये रखना मकरूह है। जबकि अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि जिसने ईद के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, यानी कि ईद के दिन के बाद जो शव्वाल के रोजे होते हैं 6, अगर उसको रखा तो गोया उसको पूरे साल के रोजे रखने का सवाब। अब अल्लाह के नबी कह रहे हैं सवाब है, इमाम साहब कह रहे हैं मकरूह है। अब बताइए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो बच्चों का अकीका होता है, अकीका करना ये मेरे भाई जो दौरे मतलब जो दौर था ठीक है जाहिलों का, उस दौर का अमल है। लेकिन आज की तारीख में भी भाई कोई भी हनफी के वहाँ बच्चा पैदा होता है तो अपने बच्चे का अकीका करता है ना। और अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीका करो, उसके अच्छे से नाम रखो, उसके जो सर के बाल हैं उसको मेरे भाई साफ करवा के उसके वजन के बराबर सोना या चांदी मेरे भाई उसको तकसीम करो, सदका करो। अगर आपको अल्लाह ने बेटा दिया तो उसका खतना करवाओ 7वें दिन। तो ये सब बातें बताई है ना। लेकिन इमाम साहब क्या कह रहे हैं कि अकीका करवाना दौरे दौरे जहालत का अमल है। अच्छा अच्छा, तो भैया हमारे पास तो कुछ चीजें थी क्या बताएं हम आपको। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो माए हैं वो अपने बच्चों को 2.5 साल दूध पिलाएंगी, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 233 में कि माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। अब अल्लाह ताला कह रहा है 2 साल दूध पिलाएं, इमाम साहब कह रहे हैं कि 2.5 साल दूध पिलाएं, तो हुआ ना इख्तलाफ। तो आज जब हमने छोड़ा है इमाम साहब को तो दलील की बुनियाद पे छोड़ा है ना, तो दलील की बुनियाद पे जब छोड़ेंगे तो ये इत्तबा कहलाएगी। लेकिन बिना दलील के इमाम की बात को मान लेंगे और अल्लाह के नबी की बात को छोड़ देंगे तो इस अमल का नाम तकलीद है।
तो हम तकलीद को मेरे भाई दीन में बिदत मानते हैं। अच्छा, आपके नजदीक तकलीद बिदत है ना? हाँ भाई, जो चीज भाई ना तो दीन इस्लाम में कोई असल मौजूद है ना कोई बुनियाद। अब जो तकलीद है उसकी तारीफ क्या है? किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के ये गुमान करके कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। और अल्लाह ताला को मेरे पे एक भी आयत में ये नहीं कहा कि ए लोगो तुम लोग बिना दलील के लोगों की बात को मान लो, एक भी आयत में नहीं कहा। बल्कि उसका उल्टा कहा है कि सबूत मांगो, दलील मांगो। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर वो सच्चे होंगे तो सबूत पेश करेंगे, दलील देंगे। तो जो सच्चा होगा, मेरा अल्लाह सुबहान व तआला सच्चा है, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, सादिक हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर बात की दलील देते हैं। और जिस चीज की मेरे पे दलील मौजूद होती है वो इत्तबा कहलाती है। और हम ये बोल रहे थे अब्बू भाई, मेरी बात सुन लीजिए, बताइए, जो कुरान से तकलीद का वजूद साबित करते हैं तो वो क्या गलत है? कुरान और हदीस से तकलीद को साबित करते हैं? देखिए, कुरान हदीस से तो लोग क्या क्या साबित कर रहे हैं फिर वो आप भूल जाइए। आर समाजियों को आप जानते हैं? आर समाजियों से हमारी बात होती है, वो माजल्ला कुरान हदीस से वो साबित करते हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भाई वो निकाल दिया गया, आदम अलैहिस्सलाम की बेइज्जती हो गई। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही बेइज्जती भाई वो देता है। तो गोया माजल्ला क्या अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बेइज्जत कर दिया? ये आर समाजियों की मेरे भाई दलील है, वो देते हैं कुरान से। अब क्या उनकी जो दलीलें मान लेंगे? तो दलील तो हर चीज की कोई ना कोई मेरे भैया पैदा कर देता है, तो किसी की दलील पैदा करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, माना ये जिस पे कुरान नाजिल हुआ, क्या उसने कभी वो चीज मेरे भाई पकड़ी? क्या वो दलील उसने समझा? क्या उसने सहाबा को ऐसी तालीम दी? वो हुज्जत है, क्योंकि कुरान मेरे भाई जिसके ऊपर नाजिल हुआ उससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। सहाबा किसकी तकलीद करते? सहाबा तो सराफा सरकार को देख रहे थे। तो भाई सहाबा तकलीद क्यों करेंगे? तकलीद तो माजल्ला जाहिल करता है ना, सहाबा हमारे जाहिल तो ही ना है। तकलीद का मतलब यह है कि आप कहते हैं तकलीद तो जाहिल करता है, मतलब ये कि चार इमाम है ये सब जाहिल है, आप कहने का मतलब? भाई इमाम तो सारे के सारे थे गैर मुकल्लिद, कोई तकलीद तो ही ना करता था, मुकल्लिद थोड़ी ना था भाई। जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, इस पे अहले इल्म का इजमा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने घर से, इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता बल्कि वो जाहिल होता है, इस बात का सबका इत्तफाक है। तो वो इजमा नकल कर रहे हैं। और बरेलवी आलिम ने तो हद बार कर दी, वो तो कहते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है, दरिंदा होता है, क्योंकि अपने इमाम के नाम का पट्टा अपने गले में बांध के जानवरों की तरह इमाम के पीछे पीछे चलता है। बरेलवी आलिम कौन? बरेलवी आलिम बहुत बड़े पीर है मेरे भाई, शमसुद्दीन बरेलवी आलिम है। ये इसका तर्जुमा बताइए, ये मेरे पास इबारत है, फातक्तदी बिल मुत्तकीन वयक्तदी बिनल मुत्तकून। हाँ, इसका माना बताइए थोड़ा सा। माना हम क्यों बताएंगे, आप बताइए ना, पढ़ के बता रहे हैं तो। अरे हमारे पास सिर्फ इतने भाई, हम कोई तर्जुमा करने वाले नहीं है ना, हम कोई अरबी के वो थोड़े ना स्कॉलर। अच्छा, या तो आप इस आयत का हवाला हमको दीजिए कि भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो हम तर्जुमा आपको देख के बता देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, हम परहेजगारों की पैरवी करें और परहेजगार हमारी पैरवी करें। हाँ, तो पैरवी की बात हो रही है ना इसमें मेरे भाई, तकलीद की बात थोड़ी ना हो रही है। और तकलीद की बात इसमें है, आप माशाल्लाह बड़े जानकार हैं, अच्छे खासे हैं, कि इहदिने सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, समझे? भाई ये आपको बता चुके हैं, इससे तमाम मेरे भाई अहले सुन्नत आगे सुन सहाबा को मेरे भाई मुराद है। आपको मैं तकरीबन समझे, देखिए आप असल में तकलीद के ऊपर आधी अधूरी मेरे भाई पढ़ाई करके आए हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है कि हम कौन सी बात पेश करते हैं,
मैं आपको बता देता हूँ, इस्लाह की नियत से बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप। अरे भाई, इस्लाह की नियत से बता रहा हूँ, अपनी हर जीत का मसला नहीं है। हनफी लोग तकलीफ को जब साबित करते हैं कुरान से, कोई नहीं है। अरे भाई सुन तो लीजिए, अल्लाह के बंदे आपको क्या हो जाए, तो आप अच्छे से बात कर रहे भाई। लग रहा आपका जी जाग गया खान साहब, ये सब तकलीद के ताल्लुक से आयत करीमा दलालत कर रही है। आप जैसे जाहिल ना अनजान लोग इस आयत से तकलीद का रद्द है, रद्द है, अल्लाह रहम करे आपके। इस आयत से तकलीद का रद्द हो रहा है, आप इस आयत से तकलीद साबित कर रहे हैं। एक रवा रद्द नहीं है, अगर रद्द है अभी मैं साबित कर देता हूँ। पूरी जिंदगी अल्लाह सुबहानहू तआला फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम्हें बड़े हैं उलिल अम्र हैं उनकी बात को मानो। अब आज अल्लाह क्या कहता है, अब रद्द कर रहा है तकलीफ का, कि अगर इनमें आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस बात को पलटा दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, अगर तुम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ का तो रद्द हो गया, अल्लाह खुद कह रहा है जब इख्तलाफ हो जाए तो वापस जो अल्लाह। जिस दिन हम हर जमात को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, जिस दिन हाँ, तो इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ले इस आयत की तफसीर में लेके आए हैं कि इसमें अहले हदीस की शर्त है, क्योंकि अहले हदीस के जो इमाम है वो है जनाबे मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अहले हदीस अपने इमामों के साथ बुलाए जाएंगे, और हमारे इमाम इमाम आजम इमाम अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप लोग अपने इमाम हनफी के साथ उठाए जाएंगे, हम लोग तो अल्लाह के नबी के साथ उठाए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यो कहा जाएगा भाई, आपको सुनना नहीं तो भाई, आपको सुनना नहीं तो मैं फोन काट दूं। ना पकड़ा उसको किससे किस भाई, अब लग रहा है आपका दिन जाग गया है, फोन काट दीजिए।